सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी, डायरेक्टर ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में विल टॉक अबाउट द मार्बल ड्रॉ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो एमबीपी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट टिलेज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे एमबीपी होता क्या है। दिस इज द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, और इसके बारे में कम्प्लीटली थेरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कितने अमाउंट ऑफ थेरी के लिए जरूरत होती है हम लोगों को इसमें। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, फोर्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करूँ तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्बल प्लाउ के बारे में। ओके, मार्बल प्लाउ जो कि क्या है, हमारा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट मतलब कि टिलेज ऑपरेशंस में हम लोग प्राइमरली वी यूज द दिस। डेफिनेशन देखते हैं तो अ मोल्ड प्लाउ इज अ वेरी कॉमन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस। ओके, बहुत ही प्राइमरी इक्विपमेंट है जो कि वेरी कॉमन, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन इम्प्लीमेंट है जो कि यूज किया जाता है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन क्या हो रहा था, कि जो इनिशियली हम लोग सिर्फ सॉइल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे थे। ओके, जो टिलेज ऑपरेशन कर रहे थे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। तो बस वही है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। दिस प्लाउ परफॉर्म सर्वल फंक्शन एट अ टाइम सच एज, देखिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे पहला इसमें कटिंग द फरो स्लाइड, सबसे पहला काम इसका होता है कट करना फरो स्लाइस, जो भी हमारी फरो स्लाइसेस होती है इन द फरो स्लाइस, लिफ्टिंग द फरो स्लाइसेस, टर्निंग द फरो स्लाइस एंड पल्वराइजिंग द सॉइल। चार प्रकार के काम ये करता है हमारा। पहला कटिंग, लिफ्टिंग, टर्निंग एंड पल्वराइजिंग। कटिंग मीन्स की कट करना, जो आपकी सरफेस है सरफेस को फरो स्लाइस जो है आपकी उसको कट करते हुए आगे की ओर बढ़ना। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा एमबी प्लाउ है। यहां से ये अटैच होता है ट्रैक्टर से। ओके, ये ट्रैक्टर से अटैच होता है। ये टू पॉइंट लिंकेज दिए हैं वहां पे, ये जो होल दिए हैं दैट इज कॉल्ड टू पॉइंट लिंकेज। ओके, ये हमारे ये जो होल दिए हैं ये हमारे लिंकेज हैं। ये दो टाइप से हमारे टू पॉइंट लिंकेज के फॉर्म में ये दिए, ये होते हैं ट्रैक्टर से अटैच होते हैं, जो कि हीचिंग का काम करते हैं। हीचिंग में आपके जो भी इम्प्लीमेंट में होता है ना हीचिंग, उसमें अटैच होते हैं। ये एमबी प्लाउ को क्या करते हैं, अटैच करते हैं और डायरेक्शन और ट्रेवल के वे में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फोर्स एनालिसिस पढ़ेंगे जब हम इसमें डीप में डिस्कस करेंगे। आप सभी को बस इसको देख लेना, डायग्राम ऐसा होता है, ये काम आता है कटिंग, लिफ्टिंग, टर्निंग एंड पल्वराइजिंग द सॉइल। सॉइल सरफेस में पहले कट करता है, फिर लिफ्ट करता है, उठा के आगे की ओर बढ़ाता है, फिर टर्न करता है, गोल घुमाता है, और फिर पल्वराइज करता है, एक जगह पर जाकर के जमा करता है। दैट इज कॉल्ड एमबी प्लाउ। एमबी प्लाउ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें देखिए देर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एमबी प्लाउ। दैट इज फर्स्ट स्पेयर, दूसरा माउट बोल्ट, थर्ड है लैंडस्लाइड एंड फोर्थ है प्रॉग। ओके, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये हमारा जो ये वाला जो साइड है, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्पेयर, जिससे कि हम लोग कटिंग करते हैं। ये हमारा माउट बोल्ट है, अभी हम लोग इनके बारे में डिफरेंट टाइप से पढ़ने वाले हैं। यहाँ लैंडस्लाइड लगा होता है आपका, ये इस तरीके से लैंडस्लाइड लगा होता है। और प्रॉग जो है कि मॉल बोल्ड, फेयर और लैंड साइड तीनों को अटैच करने का जो काम होता है, अटैच करके रखने का जो काम होता है, ये हमारा होता है प्रॉक का काम होता है। तो ये इस तरीके से हमारे ये जो पॉइंट्स बनते हैं, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एमबी प्लाउ है। ओके, एमबी प्लाउ के ये सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया। और आगे बात करते हैं एमबी प्लाउ में, तो ये देखिए इस तरीके से कंपोनेंट्स का डायग्राम दिया हुआ। डायग्राम में सबसे पहले एक मॉल बोल्ड दिया हुआ है, इस तरीके से मॉल बोल्ड होता है, ये प्रॉग होता है, ओके, ये लैंडस्लाइड होता है और ये सेयर होता है, इस तरीके से दिखता है। अभी हम वन बाय वन सबको पढ़ने वाले हैं। जैसे एक एमबी प्लाउ है, ये वन बॉटम एमबी प्लाउ हम लोगों ने लिया हुआ है। ओके, वन बॉटम एमबी प्लाउ लिया, इसमें प्रॉग जो है ये तीनों को अटैच करने का काम करता है। ओके, एमबी एमबी को, सेयर को और लैंडस्लाइड तीनों को अटैच करने का जो काम होता है प्रॉग का काम होता है। ये हमारा एमबी है, इसको मॉड बोल्ट कहते हैं। ये हमारा सेयर है, सेयर मतलब जिससे कटिंग होता है, कटिंग एज, सेयर से ही कटेज होती है, कटिंग एज, कटिंग एज से हमारी सॉइल सरफेस कट होती है और सेयर लगा, सेयर से वो अटैच होता है। तो यहाँ से हम लोग को पूरे पॉइंट दें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सेयर के बारे में, कि एक्चुअल में सेयर होता क्या। अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि सेयर ये होता है, सिर्फ
सारे कंपोनेंट्स को अब डीप में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वील गो फ्रॉम इन टू द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो अभी पहले हम लोग सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं. हियर इट इज द पार्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम दैट पेनिट्रेट इन टू द सॉइल एंड कट द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड अ सेयर. इट इज अ शार्प वेल पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड कंपोनेंट. सेयर जो होता है ये क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ प्लाउ बॉटम. प्लाउ में जो भी बॉटम का ये जो बॉटम का जो साइड है दैट इज कॉल्ड अ सेयर. प्लाउ बॉटम का साइड ये क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल के, ये मान लो सॉइल सरफेस, सॉइल के अंदर जाकर जबरदस्ती जाकर के पेनिट्रेट करके जो है सॉइल को काट रहा है. कटिंग ऑफ द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल मान लो ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस के फॉर्म में इसको क्या कर रहा है, सॉइल को कट कर रहा है. तो सेयर का वर्क सिर्फ इतना होता है कि क्या कर रहा है, कट कर रहा है. सेयर का वर्क की अगर बात करें, कभी कभी न्यू टाइप्स में पूछ लिया जाता है आपके, अगर एई का क्वेश्चन पेपर से आप लोग डिस्कस करेंगे तो एई वगैरह में भी अगर डायरेक्टली बात करें तो कभी कभी क्या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इट इज द पार्ट ऑफ प्लाउ बॉटम. ओके, पार्ट होता है प्लाउ बॉटम का दैट पेनिट्रेट इन टू द सॉइल एंड कट द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट करता है. इट द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड अ सेयर. इट इज अ शार्प वेल पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड कंपोनेंट. ये जो है बहुत ज्यादा शार्प होता है. ओके, वेल पॉलिश्ड भी होता है एंड पॉइंटेड कंपोनेंट. अब देखते हैं इसमें सेयर, ये हमारा जिस टाइप से ये हमारा पूरा कंप्लीटली सेयर है. सेयर में क्या क्या होते हैं, तो देखिए सेयर से अटैच होता है गनल. गनल एक हमारा अटैच होता है, उसमें एक पॉइंट होता है और यहीं पे हमारी कटिंग एज होती है. कटिंग एज भी हमारी ये होती है कि कट करने का काम करती है. देखिए सेयर का ये हमारे सेयर है, कटिंग एज है और यहाँ से विंग से अटैच होती है. हमारी विंग से जो है ये अटैच होती है मॉलबोर्ड के साथ. ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स, गनल होता है, गनल से हमारा पॉइंट होता है, सेयर में कटिंग एज होती है. कटिंग एज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की सरफेस को कट करते हैं. तो देयर आर बहुत बहुत बड़ी मैकेनिज्म है ये सेयर. तो सेयर का काम क्या है, सिर्फ कट करना सॉइल को और पेनिट्रेट करना और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट करना. तीन से चार काम है आपके. ओके, वेल पॉलिश जो होती है और पॉइंटेड कंपोनेंट्स में होती है. अभी और सेयर के और डिफरेंट टाइप के टाइप देखेंगे. देखिए अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेयर आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम सच एज. अब डिफरेंट पोर्शन जो है सेयर के उसको डिफरेंट नाम से बोला गया है. पहला आपका सेयर पॉइंट. ओके, अभी मैंने दिखाया कि सबसे पहले आपका होता है सेयर का पॉइंट. सेयर पॉइंट मतलब जो सबसे नुकीला वाला सामने का हिस्सा, जो कि सबसे नुकीला हिस्सा होता है. दूसरा हमारा कटिंग एज. कटिंग एज मतलब कि एक ब्लेड जैसी बनी हुई होती है कटिंग एज, जिसमें बहुत ज्यादा धार होती है. कि वेन दे आर पेनिट्रेट इन टू द सॉइल तो सॉइल विल बी कट इन टू टू पार्ट्स. तो इतनी ज्यादा कट एज मतलब तेज धार की होती है. उसके बाद हमारा विंग ऑफ द सेयर. ओके, थर्ड हमारा जो है विंग, सेयर का जो है ये विंग होता है. तो थर्ड पॉइंट इज विंग ऑफ द सेयर. फोर्थ इज गनल. गनल इज साइड में लगा होता है लैंडस्लाइड के जैसे. क्लेवेज एज. ओके, द फॉरवर्ड एंड ऑफ द कटिंग एज विच एक्चुअली पेनिट्रेट इन टू द सॉइल इज कॉल्ड अ सेयर पॉइंट. ओके, जो फॉरवर्ड एंड ऑफ द कटिंग एज, कटिंग एज का जो फॉरवर्ड एंड होता है उस वो जो है हमारा सेयर पॉइंट कहलाता है, जो कि हमारा पेनिट्रेट करता है सॉइल में, जो कि एक्चुअली जो है सॉइल में पेनिट्रेट करता है. कि अगर मान लो इस तरीके से आपका ये सेयर है. ओके, ये हमारा पूरा सेयर की बॉडी, ये कटिंग एज है और ये सेयर का फॉरवर्ड पॉइंट. तो ये फॉरवर्ड पॉइंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सेयर पॉइंट. सेयर पॉइंट क्या करता है, जो कि डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है. ओके, सॉइल सर. द फ्रंट एज ऑफ द सेयर विच मेक्स हॉरिजॉन्टल कट इन टू सॉइल कटिंग कॉल्ड सॉइल कटिंग एज इन द सेयर. द फ्रंट एज ऑफ द सेयर, फ्रंट एज ऑफ द सेयर विच मेक्स हॉरिजॉन्टल कट, जो कि हॉरिजॉन्टल कट करता है इन द सॉइल इज कॉल्ड अ कटिंग एज. कटिंग एज कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कट के फॉर्म. द आउटर एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द सेयर इज कॉल्ड एज विंग ऑफ सेयर. आउटर एज मतलब ये आउटर, ये बाहरी हिस्सा जो होता है सेयर का, ये हमारा कटिंग क्या होता है, कटिंग एज ऑफ द सेयर. विंग ऑफ द सेयर, ये विंग होता है, विंग ऑफ द सेयर होता है. ये हमारा ये वाला जो है कटिंग एज होता है, जो कि क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कट करते हुए आगे बढ़ते. इट सपोर्ट द प्लाउ बॉटम
यहाँ से डेफिनेशन में थोड़ा, इट सपोर्ट द प्लाउ बॉटम, द वर्टिकल फेज ऑफ द सेयर विच स्लाइड अलोंग द फरो वॉयल इज कॉल्ड अ गनल. ओके, जो वर्टिकल फेज होता है सेयर का उसको गनल कहते हैं. इट टेक्स द साइड थ्रस्ट ऑफ द सॉइल एंड सपोर्ट द प्लाउ बॉटम अगेंस्ट द फरो वॉयल. ओके, ये क्या कर रहा है कि साइड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है सॉइल को एंड सपोर्ट करता है प्लाउ बॉटम अगेंस्ट द फरो वॉल. फरो वॉल के अगेंस्ट जो प्लाउ बॉटम होता है उसमें हमको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम ये करता है. द एज ऑफ द सेयर विच फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन मॉल्डबोर्ड एंड सेयर ऑन द प्रॉग. ओके, द एज ऑफ द सेयर विच फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन मॉल्डबोर्ड एंड सेयर इज कॉल्ड ऑन द प्रॉग. प्रॉग की हेल्प से हम लोग जो है मॉल्डबोर्ड और सेयर को हम लोग जो है जॉइंट करते हैं. द सेयर आर मेड ऑफ चिल्ड कास्ट आयरन और स्टील. जो सेयर होता है आपका चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है और स्टील का बना होता है. द स्टील मेनली कंटेंस अबाउट 0.7 to 0.8% ऑफ कार्बन एंड अबाउट 0.5 and 0.8% मैग्नीज बिसाइड द माइनर एलिमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपकी, अगर असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम्स होती है तो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है. द स्टील मेनली कंटेंस अबाउट 0.7 to 0.8 कार्बन. 0.7 से 0.8% इसमें कार्बन होता है और 0.5 से 0.8% इसमें क्या होता है, मैग्नीज होता है. तो स्टील में जो है मेनली इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फेयर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर है जिनकी हमको गेट में कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस इनके बारे में जानना होता है. पहला होता है स्लिप सेयर, दूसरा होता है स्लिप नोज सेयर, थर्ड होता है साइन सेयर, फोर्थ होता है बार सेयर, फिफ्थ होता है बार पॉइंट सेयर. ओके, और ये सारे सेयर्स को अभी हम लोग एक डायग्राम से पहले देख लेंगे, उसके बाद इनके बारे में नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशंस के फॉर्म में इनको देखते जाएंगे. तो ये सारे टाइप्स होते हैं, आपको सेयर के बारे में पता चल गया होगा. सेयर का काम सिर्फ क्या होता है, पेनिट्रेट करना होता है सॉइल को, सॉइल के अंदर जाके पेनिट्रेट करके उसके सॉइल सरफेस को कट करना होता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको एक सरफेस के फॉर्म में उसको जमाना होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेयर. तो ये सेयर में इस तरीके से होता है, स्लिप सेयर, स्लिप नोज सेयर, साइन सेयर, बार सेयर, बार पॉइंट सेयर. ओके, अब यहाँ से हम लोग जो है सेयर के सारे डेफिनेशन दी हुई है. तो सबसे पहले स्लिप सेयर किस तरीके का होता है, स्लिप सेयर का ये जो है शेप होता है. उसके बाद स्लिप नोज, ये आपकी सेयर पॉइंट का स्लिप नोज इस तरीके से होगा, ये आपका कटिंग एज होगा, इस तरीके से सारे बटे होंगे. ये हमारा होगा साइन, साइन में भी इस तरीके से होता है, ये हमारी इस तरीके से साइन में देता है, बार में ये इस तरीके से हमारा कटिंग एज. तो ये सारे आप लोगों ने देख लिया होगा डायग्राम. इसमें अब वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस कर, बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से कोई पॉइंट आपके बन जाते हैं. जैसे स्लिप सेयर क्या होता है, इट इज अ वन पीस विथ कर्व्ड कटिंग एज. ओके, कर्व्ड कटिंग एज के द्वारा होता है, हैविंग नो एडिशनल पार्ट, इसमें कोई एडिशनल पार्ट नहीं होता. इट इज कॉमन टाइप्स ऑफ सेयर, ये बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ सेयर, मोस्टली यूज बाय द फार्मर, जो कि हर फार्मर इसको यूज करता है. जो स्लिप सेयर होता है मोस्टली एवरी फार्मर हैज द स्लिप सेयर. ओके, यूज बाय द फार्मर. इट इज सिंपल इन अ डिजाइन बट इट हैज गॉट द डिसएडवांटेजेस दैट द एंटायर सेयर हैज बीन रिप्लेस्ड. ओके, इसमें क्या कुछ डिसएडवांटेज होने के कारण जो है, इंटायर सेयर हैज बीन रिप्लेस्ड इफ इट इज वॉर्न आउट ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज. ओके, कॉन्स्टेंट यूज के लिए यूज. सेकेंड अगर बात करें तो स्लिप नोज सेयर. स्लिप नोज सेयर, वॉट इज द स्लिप नोज सेयर, इट इज अ सेयर इन विच द पॉइंट ऑफ सेयर इज प्रोवाइडेड बाय अ स्मॉल डिटेचेबल पीस. ओके, ये जो सेयर होते हैं इसमें आपके जो सेयर प्रोवाइड होते हैं वो स्मॉल डिटेचेबल पीस के फॉर्म में होते हैं. इट हैज एडवांटेज दैट द सेयर पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड. इसका जो अगर मेन एडवांटेजेस की बात करें, जो सेयर पॉइंट होता है ये भी रिप्लेस्ड होता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार. इफ द पॉइंट इज वार्म आउट इट कैन बी चेंज्ड विदाउट रिप्लेसिंग द एंटायर सेयर अफेक्टिंग कंसिडरेबल इकोनॉमी. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं. इसके बाद साइन सेयर होगा, तो साइन सेयर का डायग्राम देख के आप बता सकते हैं बार सेयर. तो ये सारे इनकी बस नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ लेना है और ये डायग्राम आपको याद रखना है. ये डायग्राम्स अगर आपको याद है तो इनमें जो बेसिकली बता सकते हैं कि इसमें इस तरीके से बना होता है, स्लिप नोज में, साइन सेयर में इस तरीके से साइन के फॉर्म में बना होता है, फिर ये बार पॉइंट सेयर. ओके, तो इस तरीके से सारे दिए होते हैं. आप लोगों ने मतलब सेमेस्टर, अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है. तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द ऑल थिंग्स अबाउट मॉल्डबोर्ड. तो ये सेयर के बारे में बात हो गई. अब मॉल्डबोर्ड के बारे में बात करते हैं. अब हम लोग एमबी प्लाउ में ऊपर की ओर बातें हैं.
सबसे पहले हमने शेयर की बात की, लिए शेयर का काम क्या हो रहा था, कटिंग कर रहा था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको जमाने का काम कर रहा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉल बोल्ड। व्हाट इज द मॉल बोल्ड? दिस इज द मॉल बोल्ड। द मॉल बोल्ड इज द पार्ट ऑफ द प्लाउ विच रिसीव द फरो स्लाइस फ्रॉम द शेयर। क्या कर रहा है कि पार्ट ऑफ द प्लाउ हो रहा है, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है फरो स्लाइस को, जो भी हम कट करके ऊपर की ओर ला रहे हैं। एमपी प्लाउ क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कट कर रहा है, फिर ऊपर की ओर ला रहा है। तो मॉल बोल्ड क्या कर रहा है, उसको रिसीव करने का काम कर रहा है। रिसीव द फरो स्लाइस फ्रॉम द शेयर, इट लिफ्ट टर्न एंड ब्रेक द फरो स्लाइस। और ये क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, उठाने का काम कर रहा है, टर्न करना है, घुमाने का काम कर रहा है और तोड़ने का काम कर रहा है, ब्रेक द फरो स्लाइस। डिफरेंट सॉइल कंडीशन रिक्वायर्ड मॉल बोर्ड ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइज टू कैरी अ गुड जॉब ऑफ प्लाइंग। ओके, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस के हिसाब से, कि कंडीशंस क्या होती, कभी कभी आपकी सॉइल गीली हो, कभी ज्यादा ही ड्राई सॉइल हो, कभी लोमी सॉइल हो, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो मॉल बोर्ड को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉल बोर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि ये वाले जो, अगर हम लोग शेयर की बात करें तो डिफरेंट सॉइल्स के अकॉर्डिंग शेयर्स को यूज किया जाता है। ओके, कि आपकी वेट सॉइल है, ड्राई सॉइल है, तो उनके अकॉर्डिंग वहां पर उसको यूज किया जाए। तो वैसे ही मॉल बोर्ड में होता है। मॉल बोर्ड में क्या हो रहा है कि डिफरेंट शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग मॉल बोर्ड यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सॉइल के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, द टेक्सचर ऑफ सॉइल, द सॉइल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर ऑन द सर्फेस डिटरमाइन द सॉइल पल्वराइजेशन। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर, जो आपका टेक्सचर होता है सॉइल का, वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर ऑन द सर्फेस डिटरमाइन द सॉइल पर्वलाइजेशन। ओके, तो यहां पर बोला है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और एक्सटेंट वेजिटेटिव कवर जो होता है, अगर हमको जानना है डिटरमाइन द सॉइल, तो पल्वराइजेशन के अकॉर्डिंग वी नो अबाउट द पल्वराइजेशन एंड इन्वर्जन डिपेंड अपॉन द कर्वेचर ऑफ द मॉल बोर्ड। जो पल्वराइजेशन और इन्वर्जन होता है, जितने अच्छे से उबड़ खाबड़ हम लोग क्या करेंगे, नीचे की सॉइल को ऊपर करेंगे, ऊपर की सॉइल को नीचे करेंगे, तो नीचे की क्या होता है कि एक सरफेस के नीचे जैसे हम लोग कुछ सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, तो उस हिस्से तक जो आपकी, अगर हम लोग बात करें कि उस हिस्से तक आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, देयर अ वेरी हाई अमाउंट, इन अ वेरी हाई अमाउंट, तो वहां जब आपकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फर्टिलिटी को पल्वराइज करके, पल्वराइज मतलब कि नीचे के हिस्से को ऊपर के ऊपर लाना, जो आपका नीचे का हिस्सा उसको ऊपर की ओर लाना, इट्स कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन जो डिपेंड करता है कर्वेचर ऑफ द मॉल, किस तरीके से आपका मॉल बोर्ड बना हुआ। अ लॉन्ग ग्रेजुअल कर्व्ड मॉल बोर्ड टर्न्स द फरो जेनेटली एंड डज नॉट ब्रेक द सॉइल मच। जो आपका लॉन्ग कर्व्ड जो होता है मॉल बोर्ड, ये क्या होता है कि फरो को टर्न जरूर करता है, लेकिन जो ब्रेक नहीं कर पाता ढंग से, तो ब्रेक करना भी इज द इम्पोर्टेंट। एंड द शॉर्ट एब्रुपेटली कर्व्ड मॉल बोर्ड ट्विस्ट एंड शेयर द सॉइल एंड पल्वराइज इट। और कभी कभी क्या होता है, जो छोटे मॉल बोर्ड होते हैं वही आपके क्या करते हैं, कर्व जो होते हैं ट्विस्ट कर देते हैं और सॉइल के जो है पार्ट्स को ब्रेक करके पल्वराइजिंग की कंडीशन आ जाती है। मॉल बोर्ड फॉर जनरल यूज फॉल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस। मॉल बोर्ड आर मेस्ड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बने होते हैं। ओके, तो ये मॉल बोर्ड के बारे में बात हुई। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉल बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि अभी तक हम लोग जिस शेयर के बारे में पढ़ रहे, तो शेयर के हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात किया कि ये टाइप्स होते हैं, तो उनमें से मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ टाइप्स के। ओके, जो मेनली इंपॉर्टेंट है, इसी में जैसे मॉल बोर्ड के बारे में बात करें, तो मॉल बोर्ड भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब सारे के मैं डायग्राम दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे जो है सारे डायग्राम्स होते हैं। ये जनरल पर्पज होता है हमारा, जनरल पर्पज में इस तरीके से हमारा मॉल बोर्ड होता है। ये स्टेबल टाइप का होता है, स्टेबल टाइप का ये भी इसी तरीके से होता है। इसके बाद ये सोड एंड ब्रेकर मॉल बोर्ड, सोड एंड ब्रेकर टाइप ऑफ मॉल बोर्ड होता है, और ये स्लेट मॉल बोर्ड होता है। ये चार प्रकार के हमारे मॉल बोर्ड बने होते हैं, इनमें हम लोगों को डिफरेंस बताऊंगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉल बोर्ड को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि होता है। द मॉल बोर्ड इज फॉलोइंग ऑफ, देर आर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ जनरल पर्पज टाइप, सेकेंड इज स्टेबल टाइप, थर्ड इज सोड एंड ब्रेकर टाइप, फोर्थ इज स्लैट एंड हाई स्पीड वाले। फर्स्ट इट जनरल पर्पस टाइप। व्हाट इज द जनरल पर्पस टाइप मॉल बोर्ड? इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल राउंड जनरल फॉर्म यूज्ड टू गिव थ्रू पल्वराइजेशन। क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं जनरल फॉर्म यूज में। ओके, क्या करते हैं कि पल्वराइजेशन के लिए यूज करे जाते हैं, थ्रू द पल्वर।
इट इज अ मॉल बोर्ड हैविंग अ मीडियम कर्वेचर लाइंग बिटवीन स्टबल एंड सूड. इसका अगर कंपेयर करें तो स्टबल और सूड के अकॉर्डिंग ये जो है मीडियम कर्वेचर में लाई करता है. ओके, द स्लोपिंग ऑफ द सरफेस इज ग्रेजुअल. जो इसमें स्लोपिंग की बात करें तो ग्रेजुअल स्लोपिंग होती है. इट टर्न द वेल डिफाइंड फरो स्लाइस एंड पल्वराइज द सॉइल थ्रूली. जो होता है अगर इसकी बात करें, इट टर्न कर रहा है वेल डिफाइंड फरो स्लाइस के फॉर्म में. ओके, बहुत अच्छी वेल डिफाइंड जो फरो स्लाइस होती है उसके फॉर्म में आपका जो है टर्न कर रहा है. एंड पल्वराइज द सॉइल थ्रूली, और पल्वराइजिंग के लिए यूज किया जा रहा है. इट हैज अ फेयरली लॉन्ग मोल्ड बोर्ड विथ अ ग्रेजुअल ट्विस्ट, द सरफेस बिगिंस स्लाइटली कन्वेक्स. ओके, यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन. ओके, तो जनरल पर्पस मोल्ड बोर्ड जनरली वी आर यूजिंग इन अ फील्ड लाइक, और बहुत अच्छे से इसकी कंडीशन होती है, सारी कंडीशन से फुलफिल करता है. नेक्स्ट इज स्टेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ. वॉट इज द स्टेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ? इट इज अडॉप्टेड फॉर प्लोइंग एन ओल्ड ग्राउंड वेयर गुड पल्वराइजेशन इज डिजायर्ड. जहां पर हमको बहुत ज्यादा जो है गुड पल्वराइजेशन चाहिए ओल्ड ग्राउंड्स में. ओल्ड ग्राउंड्स में मतलब कि बहुत ज्यादा समय से हमारी जमीन क्या है ऐसी बिछी हुई है नॉर्मली, एंड हमको वहां पर क्या करना है अच्छी पल्वराइजेशन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं स्टेबल मोल्ड प्लाउ के यूज करते हैं. इट्स कर्वेचर इज नॉट ग्रेजुअल. इसका जो कर्वेचर होता है ग्रेजुअल नहीं होता, बट इट इज एब्रप्ट अलोंग टॉप एज. दिस कॉजेज द फरो स्लाइस टू बी थ्रोन ऑफ क्विकली. पल्वराइजेशन इज मच बेटर देन द अदर टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड. इसका इसकी पल्वराइजेशन कैपेसिटी की बात करें कि ये उलट पलट जब करता है तो अदर जितने भी मोल्ड बोर्ड के होते हैं उनके फॉर्म में ये जो है मोस्ट बेटर होता है, मच बेटर फ्रॉम द अदर. इट इज द बेस्ट सूटेड इन स्टेबल सॉइल अंडर कल्टिवेशन ऑफ एयर टूगेदर. स्टेबल सॉइल इज दैट सॉइल इन विच स्टेबल ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप स्टिल लिफ्ट द लैंड एट द टाइम ऑफ द प्लॉइंग. दिस टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर द लैंड विथ फुल ग्रासेस. क्योंकि फुल ग्रासेस के क्षेत्र में ये हमारा यूज नहीं हो पाता. ओके, वैसे ही आपका सूट ब्रेकर टाइप है. सूट ब्रेकर इट इज अ लॉन्ग मोल्ड बोर्ड विथ अ जेनेटिकली कर्वेचर विच लिफ्ट्स एंड इनवर्ट द फरो स्लाइस. इट इज यूज थ्रू द सॉइल ऑफ ग्रासेस. इट टर्न्स द थिकली कवर्ड सॉइल. दिस इज अ वेरी यूजफुल वेयर इन वेयर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर्मर. ओके, दिस टाइप हैज बीन डिजाइंड फॉर द सोर्ट सॉइल. ये हमारे डिफरेंट टाइप के सोर्ट सॉइल के डेफिनेशन. नेक्स्ट, स्लेट टाइप मोल्ड बोर्ड. वॉट इज द स्लेट टाइप मोल्ड बोर्ड? इट इज अ मोल्ड बोर्ड हूज सरफेस इज मेड ऑफ सॉइल प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ मोल्ड बोर्ड. क्या हो रहा है, ये जो मोल्ड बोर्ड हो रहा है सरफेस इज मेड सॉल्ट प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ मोल्ड बोर्ड सो दैट देयर आर ग्रेप्स बिटवीन द सॉल्ट. दिस टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड इज ऑफ्टन यूज्ड वेयर द सॉइल इज स्टिकली बिकॉज द मोल्ड बोर्ड डज नॉट स्कोर वेल इज स्टिक सॉइल. ओके, स्लैश टाइप जो भी मोस्ट ऑफ द यूजेस हो रहे हैं तो इसका ज्यादा इसके डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है. क्या है, साल्ट प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द मोल्ड बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग ये चलता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हाई स्पीड टाइप मोल्ड बोर्ड. हाई स्पीड द मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड बॉटम्स आर यूज ऑफ ट्रैक्टर प्लाउज फ्रॉम जनरल फ्रॉम यूज इज कॉल्ड हाई स्पीड. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बस ये टाइप्स में आपको डेफिनेशन पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग यू शुड नो अबाउट द ऑल थिंग. नेक्स्ट है हमारा लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड क्या होता है, ये देखिए सारे स्टेबल टाइप में इस तरीके से कटिंग होती है ये सारे. तो ये अगर आपने यू हैव टू नो अबाउट द जगदीश सरसाए, यू हैव टू नो अबाउट द बुक ऑफ जगदीश सरसाए, सो यू शुड नो ऑल थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द बुक ऑफ दिस लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड इज द पार्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम विच स्लाइड अलोंग द फरो स्लाइस. लैंडस्लाइड क्या है, पार्ट है प्लाउ के बॉटम में लगा होता है जो कि क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है फरो वॉल के साथ में. जैसे जैसे आपकी कटिंग हो रही है तो साइड करना और उसको एक फॉर्म में आगे बढ़ाना इस कॉल्ड उसका जो वर्क होता है वो लैंडस्लाइड का वर्क. लैंडस्लाइड क्या करता है, जो कि आपकी सॉइल कटी हुई है पल्वराइजिंग के बाद भी जो आपके सॉइल जो बची हुई है उसको क्या कर रहा है, एक शेप में जो है शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी अगेंस्ट टिल्टिंग साइडवेज. ओके, टिल्टिंग साइडवेज में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ड्यू टू सॉइल प्रेशर एक्टिंग ऑन द मोल्ड बोर्ड. द विड्थ ऑफ द लैंडस्लाइड ऑफ एनिमल ड्रॉन प्लाउ वेरीज बिटवीन 5 एंड 10 सेंटीमीटर.
इट ऑल्सो हैव द स्टेबलाइजिंग द प्लाउ वाइल इन ऑपरेशन लैंडस्लाइड हास्टेंड द फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ प्लाउ बोल्ट्स द रियर बॉटम ऑफ द लैंडस्लाइड इज हिल एंड रप अगेंस्ट द फरो सोल. कि तो ये लैंडस्लाइड के फंक्शंस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं. बस इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, याद रखना है कि लैंडस्लाइड होता क्या है. तो ये क्या प्लाउ बॉटम में लगा होता है फरोसो वॉल के अगेंस्ट. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉग. व्हाट इज द फ्रॉग? फ्रॉग इज द पार्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम टू विच द सेयर मॉल बोल्ट एंड लैंडस्लाइड आर अटैच्ड रिजिडली. फ्रॉग जो है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फ्रॉग का वर्क क्या हो रहा है, कि मॉल बोल्ट, सेयर और लैंडस्लाइड तीनों को अटैच करके रखना है आपस में. जो तीनों को अटैच करके रख रहा है दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉग. इट इज एन इरेगुलर पीस ऑफ मेटल कास्टिंग एंड हर्ट ऑफ प्लाउ वॉटर. इट मे बी मेड ऑफ आइदर कास्ट आयरन और स्टील. ये जो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है और स्टील दोनों का बना होता है, तो प्रॉक का ये यूज. प्लाउ एसेसरीज, देर आर फ्यू एसेसरीज आर नेसेसरी फॉर प्लाउ सच एज फर्स्ट इज कॉल्टर, जॉइंटर एंड गेज व्हील. अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि कॉल्टर क्या होता है, जॉइंटर क्या होता है, गेज व्हील क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले. तो ये कॉल्टर है, कॉल्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस to cut the furrow slice vertically from the land ahead of the plow bottom. It cut the furrow slice from the land and leaves a clear wall. It also cut traces which are covered under the soil by the plow. Okay. The coulter may be rolling type and sliding type. Okay, दो टाइप्स के होते हैं, एक rolling type का होता है, एक sliding type. Rolling type की जो कि क्या कर रहा है, coulter में ये roll करते आ रहा है, जैसे कि ये wheel के shape में, तो ये that is called in a rolling shape. ओके, वैसे ही स्लाइडिंग में बात करें तो स्लाइडिंग क्या, स्लाइड कर रहा है. तो इट इज अ नाइफ फिक्स्ड डाउनवर्ड अ वर्टिकल पोजीशन इन द ग्राउंड. तो ये सारी चीजें होती. फिर उसके बाद हम लोग जॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे. जॉइंट कर लेते हैं इनको. इट इज अ स्मॉल इरेगुलर पीस ऑफ मेटल हैविंग अ शेप सिमिलर ऑर्डिनरी प्लाउ बॉटम. इट लुक्स लाइक अ मिनी एचर. द जॉइंट शुड बी सेट ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर डीप. द पर्पज ऑफ जॉइंटर इज टू कट अ स्मॉल फरो ऑफ the main furrow slice through its toward the furrow. Jointer should be set of the near coulter is possible. तो jointer क्या हो रहा है कि joint करके हम लोग use कर रहे हैं. उसके बाद आप लोग इसको deep में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए. उसके बाद हम लोग gauge wheel के बारे में बात करते हैं. It is an auxiliary wheel of an implement help to maintain uniformity with respect to depth of the slowing in different soil condition. It is usually placed hanging position. जो आपका gauge wheel है ये हैंगिंग पोजिशन में आपको यूज करें. तो ये सारे पॉइंट्स थे कि मॉल बोर्ड क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही, उन सभी सारे पॉइंट्स को वी हैव डिस्कस्ड हियर और हम सभी ने इसको समझा. उसके बाद एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है. उसके बाद हम लोग इसमें सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, इसकी सेक्शंस किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल सेक्शन और उसके बाद प्लाउ साइज के बारे में विल टॉक अबाउट टुडे टुमारो. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करेंगे. आज के हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस ऑन द न्यूमेरिकल.